हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो जो इलेक्ट्रॉन्स है सबशेल्स में ऑर्बिटल्स में अलग अलग रूल्स से फिल किए जाते हैं, जैसे कि अबाव प्रिंसिपल, एन प्लस एन रूल, हंस रूल एंड पॉली प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे अबाव प्रिंसिपल। सो व्हाट इज अबाव प्रिंसिपल? द अबाव इज अ जर्मन वर्ड and its meaning is building up. So this principle is also called as a building up principle. That means start from the base. So here the electrons are filled up in a subshells and orbitals according to their increasing energy. That means lower energy orbital filled first and then higher energy orbital. So it said that when the electrons fill up in orbitals, the electrons occupy the orbitals according to their increasing energy, that is the lower energy orbital filled first and then the higher energy orbital. This principle is called as the Abbaugh principle or building up principle. Now हमें पता है न्यूक्लियस सेंटर में रहता है और उसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स रहते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल एनर्जी लेवल भी कहते हैं। और इस प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को, मेन एनर्जी लेवल को, जो न्यूक्लियस के पास रहता है वो फर्स्ट रहता है, दैट इज एन इज इक्वल टू वन, देन एन इज इक्वल टू टू, एन इज इक्वल टू थ्री एंड सो ऑन। इन्हें हम लेटर से भी डेजिग्नेटेड करते हैं, के एल एम एन एंड सो ऑन। तो ये जो मेन एनर्जी लेवल है, इस मेन एनर्जी लेवल्स में सब एनर्जी लेवल्स रहती है, और ये जो सब एनर्जी लेवल्स या फिर सबशेल्स रहती है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ दिस एन। अगर एन इज इक्वल टू वन है तो उसमें एक ही एनर्जी लेवल रहती, सब एनर्जी लेवल रहती है, दैट इज द 1s. In a second, it has two subshells, that is 2s and 2p. Third, 3s, 3p and 3d. In fourth, 4s, 4p, 4d and 4f. Now, 5s, 5p, 5d and 5f. 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p and so on. So these are the main energy levels which consist of these sub energy levels. So what is Abbaugh principle? So according to Abbaugh principles, the electron fill up in a subshells or in orbitals in an increasing order of their energies. That means the lower energy orbital filled first. Now, अगर यहां पे हम देखते हैं what is the order of these orbitals? What is the order of these orbital for the filling of electrons? So सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? तो 1s में जाएगा, 1s. After 1s, it goes to 2s. Because this is the first energy level and this is second energy level, मतलब यहां पे इसकी एनर्जी बढ़ गई। 2s के बाद कहां पे जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s के बाद, जाएगा 2p में। अगेन 2s एंड 2p, दीज आर द बोथ सेकंड एनर्जी लेवल। उसके बाद में जाएगा 3s में, 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, 3s के बाद जाएगा 3p और उसके बाद में जाएगा 4s में। देखो 3s के बाद कहां पे गए इलेक्ट्रॉन? 3p में, और 3p के बाद 4s में। ये थर्ड एनर्जी लेवल है, फोर्थ एनर्जी लेवल है, उसके बाद में आएगा फिर 3d। ये 3d में इसलिए गया क्योंकि अगर इसके हम n प्लस l जो रूल है, n प्लस l की वैल्यू अगर देखते हैं यहाँ पे, वो कितनी आती है? 5 आती है। और यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू कितनी आती है? तो 4 प्लस 0, दैट इज 4। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते वक्त सिर्फ अबव प्रिंसिपल को कंसिडर नहीं करना, वहां पे एन प्लस रूल होता है या फिर हंस रूल होता है, उनको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो अबव प्रिंसिपल कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो एन प्लस एल रूल है वो कहता है कि जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, और बाद में फिर जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होगी उसमें। तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो एल, सो दिस एल मीन्स एजिमिथल क्वांटम नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एल इज 0, 1, 2, 3 फॉर एस, पी, डी एंड एफ।
तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 4s, सो दिस 4 इज n, दैट इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल. सो 4 n प्लस एल रूल को कैसे अप्लाई करेंगे, n प्लस l इज इक्वल टू 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 4. और यहाँ पे ये थर्ड एनर्जी लेवल है, n प्लस l की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 प्लस d के लिए l की वैल्यू क्या है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5. तो n प्लस l की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसलिए इसमें एनर्जी इसकी जो है वो ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा तो 4s में जाएगा. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिर्फ अब्बा प्रिंसिपल नहीं तो हमें यहाँ पे n प्लस l रूल भी देखना पड़ेगा. उसके बाद में अभी 3d में गया इलेक्ट्रॉन, इसके बाद में जाएगा फिर 3d में, 3d के बाद जाएगा 4p में, 4p के बाद 5s, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा 4d, इसके बाद में 4d, 4d के बाद जाएगा 5p, उसके बाद में जाएगा फिर 5p के बाद में 6s, 6f के बाद कहाँ पे जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो जाएगा 4f में, उसके बाद जाएगा 4f, फिर 5d, फिर आएगा 6p, और 6p के बाद आएगा फिर 7s. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द हर्ट्ज रूल, एंड इट स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन द गिवन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, दैट इज द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल फिट फर्स्ट. अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अभी पता है अगर हमें इस ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग और ऑर्डर जो है वो पता है तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. तो सबसे पहले हम सिंपल हाइड्रोजन से देखेंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो यहाँ पे पहला जो ऑर्बिटल रहेगा वो रहेगा 1s, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगी. हमें कैपेसिटी पता है s p d एंड f जो सबसेल्स या फिर ऑर्बिटल से, s की कैपेसिटी रहती 2 इलेक्ट्रॉन, p की 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 10 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये इनकी कैपेसिटी है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s. फिर हम बात करते हैं हेलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1s. यस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है 2, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन. नाउ नेक्स्ट इज लिथियम, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2. नाउ यस ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड बिकॉज इट्स कैपेसिटी इज 2 इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, तो सेकंड एनर्जी लेवल में जाएगा 2s में. तो 2s में यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है इसका, तो 2 ऑलरेडी 1s में चले गए, एक बाकी है तो वो कहाँ पे जाएगा, 2s में जाएगा. लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2, 2 और 2 4. उसके बाद में आता बोरॉन, बोरॉन का क्या रहेगा, 1s2 2s2 2s2, के बाद में क्या आता फिर 2p आता, तो उसके इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, तो 2p1 कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद में आता है कार्बन 6, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p. पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है यही पे जाएगा, तो 2p2, तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन. उसके बाद में हम देखेंगे नियॉन का डायरेक्टली एटॉमिक नंबर 10, सो 1s2 2s2 2p6. ओके, सो ये हो गया नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर देखेंगे सोडियम का, सो 1s2 2s2 2p6, ये हो गए 10. 2p के बाद में इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है, तो 3s में जाता है, तो यहां पे अभी हम लिखेंगे 3s1. So this is the electronic configuration of sodium. So in this way we can write the electronic configuration of any elements if we know the increasing order of the orbitals. अभी हम देखेंगे कि electronic configuration को हम किस तरह से लिख सकते हैं. Okay, तो electronic configuration को जो है वो हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. Suppose अगर हम iron की बात करते हैं, या फिर atomic number is 26. हाउ कैन वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी हमें पता है ऑर्डर पता है हमें, तो पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s2 में, बाद में 2s2, फिर आएगा 2p6, 2p के बाद आता है 3s2, फिर 3p6. ओके,
3p के बाद में आएगा फिर 4s, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे 4s2 और 4s के बाद आता है 3d। तो डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी हमें पता है कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये हो गए 20, तो यहाँ पे जाएगा 6, तो 3d6। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयरन हैविंग एटॉमिक नंबर 26। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो गया पहला वाला तरीका, सो दिस इज द फर्स्ट। सेकेंडली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 एंड 4s2। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये 4s को बाहर लिख दिया, मतलब ये आउटर है क्योंकि ये थर्ड एनर्जी लेवल है, ये फोर्थ एनर्जी लेवल है। यहाँ पे हमने उसे इंक्रीजिंग एनर्जी से लिखा, 4s की एनर्जी था हमें इसीलिए पहले लिखा और 3d को बाद में लिखा। तो ये दोनों तरीके से हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने का थर्ड जो तरीका है वो हम इस तरह से लिखेंगे कि हमें पता है 18 एटॉमिक नंबर जो है एरागॉन का है, तो एरागॉन का 18, उसके बाद में आने वाले जो ऑर्बिटल है दैट इज 4s एंड 3d। तो देखो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन, एरागॉन का एटॉमिक नंबर 18 है और यहाँ पे 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 3d में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 26 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख सकते हैं। तो अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखा है, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सेल है लास्ट वाली, इसे हम कहते हैं एन। एन मीन्स ये है वैलेंस आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल, या फिर हम इसे वैलेंस शेल भी कहते हैं। यहां पे जो एन है वो क्या है, वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट शेल। ये जो शेल रहेगी इस शेल को हम कहते हैं n-1। सो जो n-1 है दिस इज पेनल्टीमेट शेल, और ये जो दूसरी है सेकंड, इसे हम करेंगे n-2। n-2 इज प्री पेनल्टीमेट, प्री पेनल्टीमेट शेल। मतलब जो आउटर शेल रहेगी उसे हम आउटर या फिर वैलेंस शेल कहते हैं, उसके बाद में उससे पहले वाली को हम कहेंगे पेनल्टीमेट शेल और उससे भी पहले वाली को कहेंगे हम प्री पेनल्टीमेट शेल। जब हम ये आउटर मोस्ट शेल है अगर इसे सेपरेट कर देते हैं, आउटर मोस्ट शेल को जो सेपरेट कर देते हैं, फिर ये जो पूरा रहता है इसे हम कहते हैं कर्नेल। इसे क्या कहते हैं हम, कर्नेल कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट वे इन विच वी कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो आज हमने देखा अबव प्रिंसिपल, अभी नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे एन प्लस ईयर रूल को हम कैसे लगाते हैं या फिर हंड्स रूल को कैसे लगाना चाहिए और कैसे अप्लाई करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अबव प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।